Under the parts of a speech, we have done noun, pronoun, adjective, then verb, adverb, and preposition. Having done six parts of a speech, we come to the last two, and that is conjunction and interjection. Each of these parts of a speech. आर वेरी इम्पॉर्टेंट जितने भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं जितने भी हमने शब्द भेद पढ़े हैं शब्दों के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं सब अपने तई स्वयं बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रीपोजिशन जो है वो आपकी वोकेबलरी को आपके शब्द भंडार को या आपकी अंग्रेजी को बहुत अच्छा कर सकता प्रीपोजिशन के लिए जैसा मैंने कहा जरूरी है कि आप बहुत पढ़ें और हर बार क्रिया के आगे कौन सा संबंध बोधक लगा हुआ है इसको ध्यान में रखें और उसका अर्थ डिक्शनरी से देखें जरूरी नहीं है कि जो क्रिया लिखी है वही अर्थ आए क्योंकि क्रिया के बाद प्रीपोजिशन जुड़ता है तो उसके अर्थ बदल जाते हैं उस क्रिया का ही अर्थ बदल जाता है so we have done preposition also and now we come to the next one that is conjunction very simple topic very simple chapter topic that is conjunction matlab samutcha bodhak jo hai samutcha bodhak god made the country and man made the town god made the country and man made the town and jo jodhjortaha

दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं ये जो तीनों उदाहरण देखे आपने और चौथे में जो आपने देखा एंड दो और दो चार तो वहाँ दो शब्दों को जोड़ रहा हैं यानी जोड़ने का काम कर रहा हैं जोड़ने का काम वन टू थ्री सेंटेंस जो है वहाँ पे कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं चार में जो है वहाँ कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो अब आप समझ सकते हैं कंजंक्शन की परिभाषा क्या है जो वाक्यों को और कभी कभी शब्दों को जोड़ते हैं ऐसे शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं राइट बालू एंड विठल आर गुड बॉलर्स। कंजंक्शन है इसलिए द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट बट ऑनेस्ट लेकिन ईमानदार है आदमी गरीब है ईमानदार है अच्छा नहीं लगता कुछ कुछ मिसिंग हो रहा है तो जोड़ कौन सा शब्द रहा है बट लेकिन ईमानदार है द मैन इज पुअर बट इज ऑनेस्ट बालू इज गुड एंड विट्ठल इज गुड बॉलर ऐसा दो बार ना बोल करके हम क्या बोलेंगे बालू एंड विट्ठल आर गुड बॉलर तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाक्यों को छोटा भी कर देता है टू एंड टू मेक फोर दो शब्दों को जोड़ रहा है हरी एंड राम आर ब्रदर्स एंड शब्दों को जोड़ रहा है एंड और वाक्यों को जोड़ना शब्दों को जोड़ना कभी कभी कई बार हमको कुछ दूसरे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है कंजंक्शन की उदाहरण के लिए दिस इज द हाउस दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस इज द हाउस ये वो मकान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ये वो मकान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ये वो मकान है जो मैंने बनाया तो ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन दिस इज द प्लेस वेर ही वॉज मर्डर्ड ये वो जगह है जहाँ उसकी हत्या हुई सो so, समुच्चय बोधक को रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या प्रिपोजिशन से अलग करके थोड़ा पहचानना पाइए क्योंकि ये भी जोड़ने वाले शब्द हैं मैं फिर से दोहरा दूं। समुच्चय बोधक शब्दों को ध्यान से देखिए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव एडवर्ब को और ऐसी प्रिपोजिशन कई बार लगता है ये है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि ये वे नहीं है बल्कि जोड़ रहे हैं दैट इज हाउस दैट आई बिल्ट इसमें दैट क्या है दो वाक्यों को जोड़ रहा है दिस इज द प्लेस वेर ही डाइड वेर दो वाक्यों को जोड़ रहा है या वेयर ही वॉज मर्डर्ड वेयर ही डाइड टेक दिस एंड गिव दैट टेक दिस एंड गिव दैट ये लो और वो दो और ये क्या हो गया समुच्चय कंजंक्शन एक चीज यहां ध्यान आप जरूर दीजिए मस्ट टेक ए नोट ऑफ इट और ये है कि संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन और संबंधवाचक क्रिया विशेषण रिलेटिव एडवर्ब ये एडवर्ब हैं और सर्वनाम भी हैं ये एडवर्ब हैं और प्रोनाउन भी हैं और उसके अलावा जोड़ने का भी काम करते हैं जब जरूरत पड़ती है तो ऊपर के जो तीनों वाक्य थे उसमें आपने देख लिया दट दे आर यूज एज समुच्चय बोधक ऑल्सो लेकिन समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो केवल जोड़ते हैं और कोई काम नहीं करते समुच्चय बोधक शब्द जो हैं कंजंक्शन वर्ड्स वो केवल जोड़ने का काम करते हैं यही एक काम करते हैं जबकि सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक क्रिया विशेषण जोड़ते भी हैं और कुछ और काम भी करते हैं तो ये दोनों अंतर आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि संबंधवाचक शब्द या समुच्चय बोधक सॉरी समुच्चय बोधक केवल जोड़ते हैं और कोई कार्य नहीं करते प्रीपोजिशन भी दो शब्दों को जोड़ता है पर वो कुछ और भी करता है प्रीपोजिशन दो शब्दों को जोड़ता है पर वो कुछ और भी करता है कई बार तो संज्ञा सर्वनाम कुछ और क्या करता है संज्ञा या सर्वनाम को स्पष्ट करता है ही बिसाइड 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 राम राम है beside? तो के बाजू में सर्वनाम संज्ञा राम के बाजू में संज्ञा ही सैड बिसाइड राम ही स्टूड बिहाइंड मी मेरे पीछे प्लेस बता रहा है रिलेटिव तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट Preposition, adverb, and even pronoun, relative pronoun, they perform more than one functions. But conjunctions only one, केवल जोड़ने का काम करते हैं, एक ही कार्य करते हैं, केवल जोड़ने का, और कुछ नहीं। Some conjunctive words, conjunction words, they are used इन पेयर्थ कंजंक्शन के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी जोड़ी में ही उपयोग होता है जो उदाहरण के लिए आई और नईदर नॉर बोथ एंड अब जैसे आईदर और को कैसे आईदर राम विल गो और श्याम विल गो या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा या तो या तो ना इधर राम विल गो नॉर श्याम विल गो ना तो राम जाएगा ना श्याम जाएगा तो आप आई और और नॉर में अंतर पहले समझ जाइए आई इट विल रेन और इट विल गेट डार्क या तो पानी गिरेगा या बहुत अंधेरा हो जाएगा और मैं कह रहा हूं कल्पना करिए नाइदर इट विल रेन नॉर इट विल गेट डार्क ना पानी गिरेगा और ना ही अंधेरा होगा नाइदर शाम नॉर मोहन विल शुड कम टू मी ना राम और ना ही शाम मेरे पास आए ना इधर राम नॉर शाम आइदर राम और शाम शुड कम टू तो मी तो यहां देखिए आईधर और न इधर और एक और है इसके अलावा एक बोथ एंड बोथ सोहन एंड मोहन आर नॉटी बोथ के बाद एंड आता है बोथ सोहन मोहन आर नॉटी नहीं बोलेंगे बोथ सोहन एंड मोहन आर नॉटी दो यट दो ही इज नॉटी यट इज स्मार्ट यद्यपि वह शैतान है फिर भी स्मार्ट है दो ही स्टॉल दो ही लुक्स अगली यट ही स्मार्ट यद्यपि वह अच्छा नहीं दिखता फिर भी स्मार्ट तो है दो मतलब यद्यपि यट मतलब फिर भी तो so, दो और यट हमेशा साथ साथ चलेंगे दो केवल दो का उपयोग नहीं कर सकते केवल यट का उपयोग नहीं कर सकते दो और यट ऐसे ही वेदर और आई डू आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे चाहे तुम रहो या जाओ मैं कोई चिंता नहीं करता और लास्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो ये देखिए सारे शब्द पेयर में हैं, युग्मों में हैं, कंजंक्शंस हैं दोनों का उपयोग एक साथ होता है एक वाक्य में होता ही है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो बट श्याम विल ऑल्सो कम नॉट ओनली राम बट श्याम विल ऑल्सो कम अब यदि मैं तीनों वाक्यों को देखूँ पहले वाक्य में क्या था नाइदर राम आइदर राम और श्याम विल कम या तो राम या शाम आएंगे दूसरे वाक्य में क्या था ना इधर राम नॉर श्याम वेलकम ना राम आएगा ना शाम आएगा ना तो ना तो और तीसरे वाक्य में जो मैंने अभी बनाया नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ नॉट ओनली राम बट श्याम ऑल्सो वेलकम राम भी नहीं बल्कि शाम भी आएगा राम ही नहीं बल्कि श्याम भी आएगा यानी दोनों आएंगे पहले में न ये आएगा न वो आएगा पहले में या वो आएगा या ये आएगा दूसरे में न ये आएगा न वो आएगा और तीसरे में दोनों ही आएंगे तीन वाक्य देखिए कैसे युग्मों में कंजंक्शन का उपयोग हो रहा इसके साथ ही जब समुच्चय बोधक नित्य संबंधी या संबंधी की तरह उपयोग होते हैं तो कैसे विजिटेड नॉट ओनली आगरा but Delhi also. He visited not only Agra but Delhi also. वह वा केवल आगरा ही नहीं गया बल्कि दिल्ली भी गया दोनों जगह गया He not only visited Agra but Delhi also. ऐसा नहीं बोलेंगे He visited not only Agra but Delhi also. क्योंकि आगरा से आप दिल्ली के का संबंध जोड़ रहे हो तो ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा ऐसा नहीं बोलेंगे ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट डेल्ही ऑल्सो राइट या बट ऑल्सो डेल्ही नदर काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ कंजंक्शंस और ये कैसे हैं कि संयुक्त अभिव्यक्तियों को एक साथ हम जब बोलते हैं संयुक्त समुच्चय बोधक कंपाउंड कंजंक्शन बहुत सी संयुक्त अभिव्यक्तियों को हम कंजंक्शन की तरह उसका उपयोग करते हैं संयुक्त अभिव्यक्तियां क्या हैं इन ऑर्डर दैट इन ऑर्डर दैट नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल रीड नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल रीड द नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल रीड इन ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर दैट मतलब के लिए ताकि सब लोग पढ़ें यह नोटिस इसलिए पब्लिश किया ताकि सब लोग पढ़ें तो इन ऑर्डर दैट मतलब ताकि ऑन कंडीशन दैट आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू डू नॉट रिपीट इट ऑन कंडीशन दैट इस स्थिति में ऑन कंडीशन दैट इस स्थिति में कंडीशन का कुछ और अर्थ है पर यहाँ पर ऑन कंडीशन दैट कंजंक्शन बन गया ऐसे ही इवन इफ यू गो इवन इफ यू गो आई विल नॉट स्पेयर यू यदि तुम चले भी जाओगे तो भी मैं तुमसे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इवन इफ यदि इवन इफ सो दैट आई विल गेट अप अर्ली मॉर्निंग सो दैट आई कैच द ट्रेन सो दैट तो और भी ऐसे वर्ड हैं एज सुन एज एज इफ एज दो इन ऑर्डर दैट ऑन कंडीशन दैट इवन इफ एट्सट्रा जो एक तरीके से संयुक्त अभिव्यक्तियाँ हैं दो तीन शब्दों से मिलकर बना है लेकिन दे आर यूर डे कंजंक्शन ना लेट्स कम टू क्लासेस ऑफ कंजंक्शन कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं जैसा कि हम देखेंगे समुच्चय बोधक दो वर्गों में एक कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम इस वाक्य में दो स्वतंत्र कथन अलग अलग बर्ड फ्लाई और दू, दूसरा वाक्य क्या है फिश स्विम इसमें दो अलग अलग वाक्य हैं अर्थात समान कोटि के वाक्य हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग समान यहां कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ है ऑफ इक्वल रैंक एक जैसा बर्ड फ्लाई एंड दैट स्विम्स राइट इक्वल so, जब तिल इक्वल के लिए जब हम कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ इक्वल रैंक समान उप, समान श्रेणी वाले उपवाक्य को जब जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं तब हम कहते हैं और इसके लिए सामान्यतः कौन कौन से प्रिपोजिशन है एंड बट फॉर और एंड बट फॉर और नईदर नॉर आई दर और राम और श्याम समान मैंने तीन जो उदाहरण बताए समान है तो so ये क्या हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समान दीप अब समान दीप चार प्रकार के होते हैं हम उनके प्रकारों पर विशेष ना जाए लेकिन इतना जान लें कि इनके भी अलग अलग टाइप हैं बट वॉट वी शुड नो इज़ दैट वी हैव दीज फोर वी हैव दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसमें समान डीप एक जैसे हों तो वो कहलाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक तो हो गया समान और एक है असमान तो अगला होगा असमान ये असमान कैसे होता है असमान में क्या होता है कि समुच्चय बोधक किसी उपवाक्य को ऐसे दूसरे उपवाक्य से जोड़ता है जो अपने को पूरा करने के लिए निर्भर रहता है जो मैंने पहला वाक्य बताया चिड़िया उड़ती है बतख तैरते हैं बर्ड फ्लाई एंड दिस बर्ड स्विम्स तैरती है तुलना एक जैसी है तो वहां पे एंड समान में आ गया लेकिन जहां पे तुलना असमान हो तो उसमें क्या होता है एक वाक्य जो है वो दूसरे पे आश्रित है दूसरे पर निर्भर है स्वयं में ये दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट नहीं होते या पूरे नहीं होते ऐसे वाक्यों में हम कहते हैं उनको असमान या आश्रित पदीय समुच्चय बोधक उदाहरण के लिए आफ्टर बिकॉज इफ इफ यू डोंट गो आई कम उदाहरण के लिए आफ्टर द शावर द सन शोन अगेन यदि मैं केवल बोल दूं आफ्टर द शावर कोई मीनिंग नहीं निकलता द सन के शोन अगेन इसका कोई तो द सन शोन अगेन आफ्टर द शावर तो आफ्टर क्या हुआ कंजंक्शन वो जोड़ रहा है और इंडिपेंडेंट इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है आफ्टर द शावर शावर के बाद ये क्या कुछ अर्थ दिखा रहा है नहीं यदि ये कुछ अर्थ नहीं दिखा रहा है तो मेन वाक्य का उपवाक्य हो गया है उस पर आश्रित हो गया उस पर निर्भर हो गया है डिपेंडेंट हो गया एंड सो दिस कम्स अंडर अर्थमान नॉन कोऑर्डिनेटिंग ए बुक्स बुक ऑल दो देर इज नथिंग इन इट ए बुक इज ए बुक ऑल दो देर इज नथिंग इन इट ए बुक इज ए बुक ऑल दो मतलब यद्यपि एक किताब तो किताब है यद्यपि उसमें कुछ नहीं है अब यद्यपि उसमें कुछ नहीं है कोई यदि मैं आपको बोलूं केवल यद्यपि उसमें कुछ नहीं है तो क्या कुछ अर्थ निकल रहा है नहीं यद्यपि उसमें कुछ नहीं है यह किस मेन वाक्य पर निर्भर है एक किताब तो किताब है यद्यपि इसमें कुछ तो एक वाक्य दूसरे पे आश्रित है और जब आश्रित होता है तो वह नॉन कोऑर्डिनेटिंग हो जाता है और जब ऐसा होता है तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंजंक्शन में आता है तो इसमें कौन कौन से एक्सेप्ट इफ़ दो ये शब्द जो हैं ये सामान्यतया इस स्टेज में उपयोग होते हैं जहाँ पर एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है अपने अर्थ के लिए Another example, he will not pay unless forced. Unless forced का क्या अर्थ हुआ ज्यादा ज्यादा होगा ही विल नॉट पे अनलेस ही इज forced. जब तक उस पे दबाव नहीं बनाया जाएगा तो पूरा हुआ क्या वाक्य तब तक वह नहीं देगा ही विल नॉट पे वह नहीं देगा जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा ये इस पे निर्भर है Similarly, when when I was younger, I thought so. When I was younger, I thought so. जब मैं छोटा था, I thought so. तब मैं ऐसा सोचा, तब मैं ऐसा सोचा। कुछ पूरा हो रहा है। ये किस पे निर्भर है? जब मैं छोटा था। Right? So these are some words where you find one sentence dependent on another sentence.

वहां पे लेस देन फाइव रुपीज में देन क्या हो गया प्रीपोजिशन अब यहां देखिए कैसे होता है ही इज टॉलर देन मी ही इज टॉलर देन मी अब इसको कैसे बोलेंगे ही इज टॉलर देन आई द करेक्ट सेंटेंस है नॉट मी ही इज टॉलर देन आई मेरे इई एम टॉल ही इज टॉलर दैन आई एम टॉल सो दैन क्या है आई एम टॉल को पूरा करने के लिए जोड़ने के लिए लेकिन एम टॉल हम नहीं बोलते केवल आई बोल के रुक जाते हैं ही इज टॉलर देन आई Similarly आई लाइक यू बेटर than हिम आई लाइक यू बेटर than हिम एक्चुअली कंप्लीट वाक्य क्या है आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम तो आई लाइक को दो बार ना बोल करके हमने हटा दिया और उसके बाद कंजंक्शन ले लिया आई लाइक यू बेटर देन हिम तो दैन का उपयोग तुलनात्मक Hari इज मोर स्टूपिड than श्याम Hari इज मोर स्टूपिड than श्याम इज स्टूपिड इज स्टूपिड शब्द को हटा दिया Hari इज मोर स्टूपिड than तो ये तुलनात्मक लेकिन ये भी हम वाक्य क्योंकि पूरा नहीं करता एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है इसलिए समुच्चय बोधक होगा कंजंक्शन होगा राइट अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउ वी कम टू दैग एंड ऑफ इट एंड द लास्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक जिसमें विस्मय हो जो विस्मय का बोध कराते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन सी द स्पेलिंग और जैसा कि शब्द से स्पष्ट है विस्मय कराने का जिसमें बोध होता हो वो विस्मय आदि वो इंटरजेक्शन विस्मय क्या है आश्चर्य अजीब होना कुछ चीज अनएक्सपेक्टेड होना कुछ चीज उम्मीद से ज्यादा होना जब ऐसा होता है तो हम आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाते हैं जिसे हम हिंदी में विस्म्यादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं आश्चर्य सूचक चिन्ह यानी एक तरीके से पूर्ण विराम और नीचे बिंदी एट डॉट बिलो ए लॉन्ग आई एंड दैट इज कॉल्ड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेम यानी आश्चर्य करना देन ही एक्सक्लेम्ड एक्स एल ए आई एम टू एक्सक्लेम मैंने आश्चर्य करना तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज नॉर्मली फॉर वर्ड्स विच आर इंटरजेक्शन वर्ड्स विस्म्यादिबोधक चिन्ह का उपयोग विस्म्यादिबोधक शब्दों के उपयोग के बाद होता है और एक तरीके से सामान्यता आखिरी में होता है देर आर वेरी फ्यू वर्ड्स बट Let's see a few sentences. Hello, what are you doing? Hello, what are you doing there? So, hello, hello. Similarly, alas, he is dead. Oh my god, he is dead. Oh my god. Alas, oof, alas, oof, he is dead. Hurrah, we have won the game. राह वी हैव वन द गेम हम जीत गए हैं आह हैव दे गॉन ये जो आह ये जो हेलो, अलास हर्राह या ओह इट्स ए बिग रिलीफ बहुत आराम मिला ये जो शब्द हैं, इसमें देखेंगे आप इन सब शब्दों के बाद जो इटैलिक्स में लिखे हैं इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है आश्चर्य सूचक चिन्ह का शब्द बना हुआ तो दे आर कॉल्ड विस्मयादिबोधक और इंटरजेक्शन क्या कहते हैं विस्मयादिबोधक या इंटरजेक्शन इस प्रयोग से प्रबल भावनाएं जो हमारी जो फीलिंग्स हैं उसका एकदम उतार होता है उसका एकदम भड़ा निकलता है हमारी जो अंदर की तीव्र फीलिंग अलास हलो हुर्रे आह हमारे जो अंदर की फीलिंग है उसको व्यक्त करने के लिए उसको दिखाने के लिए यह देखा जाएगा कि वाक्य व्याकरण की दृष्टि से इसका संबंध अंत नहीं है दैट्स ऑल किन तो यदि हम देखें कि ये जो आश्चर्य सूचक शब्द हैं या विस्म्यादि बोधक शब्द ये या तो जॉय को बताते हैं प्रसन्नता के लिए या ग्रीफ को बताते हैं दुख के लिए अलास ही डेड ओहो उसकी मृत्यु हो गई या सरप्राइज बताते हैं आश्चर्य बताने के लिए आश्चर्य बताने के लिए कैसे वॉट क्या वॉट व्हाट आर यू सीइंग वॉट इज गॉन ऐसी अप्रूवल के लिए स्वीकृति के लिए स्वीकृति के लिए कैसे ब्रावो बी आर ए वी ओ ब्रावो स्वीकृति के लिए सो हम केवल ये इंटरजेक्शन इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड विद दिस इट गेट्स ओवर वॉट यू नीड टू नो इज़ दैट इंटरजेक्शन इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच नंबर वन अमंग द एट पार्ट्स सेकेंडली इंटरजेक्शन इज समथिंग लाइक एक्सक्लेमेशन विश्व आदि बोधक होता है विस्मय में किस तरह का विस्मय में चाहे वो प्रसन्नता का हो चाहे वो ग्रीफ का हो चाहे वो सरप्राइज से संबंध हो उसका चाहे अप्रूवल हो और विस्मय में मतलब आश्चर्य भी होता है कुछ चीज़ अजीब हो जाना होता है और उसके लिए जो अंग्रेजी में जो शब्द हैं सामान्यतः है, हेलो अलास हराह आ ओ आदि आदि वॉट ये शब्द जो हैं वो विस्मयादि बोधक में आते हैं और विस्मयादि बोधक शब्द के उपयोग के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं वो डाला जाता है तब जाके वो विस्मयादि बोधक शब्द अपने तई पूर्ण होता है विद दिस योर ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑलमोस्ट कम्स टू एन एन विद इंटरजेक्शन Is starting with noun, it almost comes to an end. So, far the understanding of that part of grammar is concerned, which is called the part of speech. इसके अलावा tense भी होते हैं, clause हैं, voice हैं। ये सब आपलोग को अलग से बताया गया है दूसरे lesson में। लेकिन before we close, let us do some Something to make you understand better. In the sense hai. one and the same word can be used for more than one part of speech. I use, I repeat, one and the same word can be used for more than one part of speech. One part of speech. कई शब्द हमने अभी वैसे पढ़े हैं जैसे दैन का हमने पढ़ा उपयोग का पढ़ा बहुत सारे शब्दों का जो कई बार प्रिपोजिशन थे कंजंक्शन भी थे कई बार वो क्रियावाचक वर्ब भी थे तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट लेटेस्ट लुक एट सम ऑफ द वर्ड्स विच कैन बी यूज इन मोर देन वन वेज विद डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर एग्जांपल लेटस टेक द वर्ड एबव एब एबव का उपयोग एडभर्म में कैसे होगा द हेवन आर एब दर अब ऊपर है प्रिपोजिशन Adjective में द मॉरल इज अब दिल द मॉरल इज अब द सिविल यहां अबव का उपयोग प्रिपोजिशन एड्जेक्टिव में एनालाइज देंटेंस कौन सा सेंटेंस एब सेंटेंस वाक्य कैसा कौन सा वाक्य ऊपर वाला वाक्य विशेषता बता रहा है एंड नाउन के रूप में कैसे करेंगे अवर ब्लैसिंगस कम फ्रॉम अब अवर ब्लैसिंग्स कम फ्रॉम अब ये देखिए अब के चार उपयोग हो गए इट इज एडवर्ब प्रिपोजिशन एड्जेक्टिव एंड नाउन आफ्टर अनदर वर्ड इज आफ्टर दे एराइव्ड सून आफ्टर यहां पर क्या है आफ्टर किसके लिए आ रहा है क्रिया विशेषण के लिए एडवर्ब एराइव्ड के लिए आ रहा है तो सून आफ्टर बाद में समय बता रहा है तो ये क्या है एडवर्ब अब इनका प्रिपोजिशन कैसे उपयोग करेंगे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर ही टेक्स आफ्टर हिज फादर मतलब क्या हुआ अपने पिताजी जैसा दिखता है देखिए अनुवाद कैसा हो गया टू टेक आफ्टर मतलब दिखाए मिलना रिजम्बल करना मिलान होना दिखना ही टेक्स आफ्टर हिज फादर उसका जो भावभंगिमा है शारीरिक ढांचा है वह अपने पिताजी पर गया है वह अपने पिताजी पर गया है उसके लिए ही टेक्स आफ्टर हिज फादर यहाँ आफ्टर क्या हुआ प्रिपोजिशन अब एडजेक्टिव के रूप में आफ्टर एज इज वी शैल सिंग हिज ग्लोरी आफ्टर एज इज बहुत समय बाद बहुत काल बाद बहुत काल की विशेषता काल के साथ जुड़ा तो एडजेक्टिव है विशेषण हुआ कंजंक्शन कैसे हुआ वी वेंट अवे आफ्टर दे लेफ्ट We went away after they left. So again, the word after is having four different uses. And so they come under four different parts of speech. Same word under four different parts of speech. Either. Either bad is good enough. Koi sabhi bad atcha. hai. Koi sabhi. Either. ye kya hua? Either bad. Koi sabhi bad. Adjective. प्रोनाउन में कैसे होगा आस्क आइदर ऑफ देम किसी से भी पूछ लो इन दोनों में से किसी से भी पूछ लो तो यहाँ पे सर्वनाम है नाम नहीं है। आस्क राम और श्याम नहीं आस्क आइदर ऑफ देम तो ये क्या हो गया प्रोनाउन हो गया और कंजंक्शन क्या हुआ ही मस्ट आईदर वर्क और स्टार ही मस्ट आईदर वर्क और गो या तो वह काम करे या जाए आइदर और सो आईदर इज यूज हेयर इन थ्री वेज वन एड्जेक्टिव अनदर प्रोनाउंड एंड थर्ड कंजंक्शन इनफ इनफ मतलब हम सामान्यतः समझते हैं पर्याप्त अब देखिए एडजेक्टिव के रूप में इसका कैसे उपयोग होता है देयर इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर There इज टाइम इनफ एंड टू spare. पर्याप्त समय क्या पर्याप्त समय पर्याप्त संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हुआ एडवर्ब शैल वी लुक और यू नो वेल इनफ यू नो वेल इनफ वॉट आई मीन यू नो वेल इनफ तुम अच्छी तरह जानते हो कैसे जानते हो अच्छी तरह जानने की विशेषता बता रहा है जानना क्रिया है यू नो वेल इनफ तो विशेषता बता रहा है तो किसकी विशेषता क्रिया की तो यहां हो गया क्रिया विशेषण या एडवर्ब। अब तीसरा इनफ का उपयोग देखिए नाउन कैसे होता आई हैड इट मतलब क्या होता हिंदी में अनुवाद अब बहुत हो गया आई हैव हैड इनफ अब बहुत हो गया यह क्या है नाउन है बहुत क्वांटिटी बता रहा है नाउन के रूप में इसका उपयोग हो रहा है यहाँ पे इनफ का उपयोग नाउन बहुत सो वी हैव थ्री यूजेज ऑफ द वर्ड इनफ लेट्स कम टू फ्यू मोर सच एग्जाम्पल राइट अनदर वर्ड इज राइट हाउ द वर्ड राइट कैन बी यूज इन फोर डिफरेंट वेज टू बी ए पार्ट ऑफ टू बी पार्ट ऑफ फोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब वर्ब के रूप में राइट का उपयोग सही होना राइट मतलब सही होना कैसे इसका उपयोग होगा दैट इज ए फॉल्ट देट विल राइट इट्स यह एक ऐसी गलती है जो अपने आप सही हो जाएगी दैट विल राइट इट्स सेल्फ दैट विल करेक्ट इट्स सेल्फ राइट मतलब करेक्ट तो यहाँ पे लेकिन एडवर्ब जैसा उपयोग हुआ है राइट right का टू राइट right मतलब सही होना और डब्ल्यू आर आई टी राइट नहीं आर आई जी एस टी राइट सही होना एक तो राइट का मतलब होता है सही और दूसरा राइट का मतलब होता है सही होना तो यहां पे के जैसे हुआ राइट का उपयोग है एडजेक्टिव के रूप में हम कैसे करेंगे एडजेक्टिव के रूप में राइट का उपयोग ही इज द राइट मैन फॉर दिस वर्क यह सही आदमी है आदमी की विशेषता बता रहा है कैसा आदमी सही आदमी तो क्या हुआ नाउन हुआ नाउन की विशेषता बता रहा है तो राइट right क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ नाउ कै हाउ टू यूज राइट आई आस्क इट एज ए राइट आई आस्क इट एज ए राइट यहां पे राइट का अर्थ क्या है अधिकार मैंने यह अधिकार पूर्वक पूछा अधिकार के साथ पूछा क्योंकि मेरा अधिकार है मैंने यह पूछा क्योंकि मेरा अधिकार है तो अधिकार यहां क्या हुआ ये अधिकार है राइट अधिकार मतलब संज्ञा नाउन हो गया आई आस्क इट अज द राइट एंड लास्ट इज हाउ कैन इट बी यूज एडवर्ब सर्व हिम राइट ही टूड राइट इन माई वे ही टूड राइट इन माई वे सन इज राइट अबव मी

लेट वेल अलोन लेट वेल अलोन ये नाउन का वेल अलोन एडजेक्टिव आई होप यू आर नॉट वेल आई होप यू आर नाउ सॉरी आई होप यू आर नाउ वेल अब तुम अच्छे हो ये एडजेक्टिव एडवर्व वेल बिगन इज हाफ डन बिगन बिगिन क्रिया है कैसी शुरुआत अच्छी शुरुआत हाफ डन मतलब आधा हो गया यदि शुरुआत अच्छी है तो आधा काम हो गया यदि शुरुआत बुरी है तो काम बेकार जाएगा तो वेल बिगन इज हाफ डन एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन वेल यू हैव सक्सीडेड वेल यू हैव सक्सीडेड तो ये इंटरजेक्शन हो गया तो वेल वर्ड इज यूज एयर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब एज वेल एज इंटरजेक्शन इन दिस प्रोसेस नाउ लेटल डू समेन सेंटेंसेज आई गिव यू टेन सेंटेंसेज एंड यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच दे आर इन शब्दों को पता करें कि किस शब्द भेद में आते हैं द टेन सेंटेंसेज आर ही कैप्ट द फास्ट फॉर ए वीक ही कैप्ट द फास्ट फॉर ए वीक फास्ट तिरछे इटैलिक्स में जो लिखा है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज इन सेकेंड मोहम्मद इन द मंथ ऑफ रमजान मोहम्मद फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान ही इज द राइट मैन इन द राइट प्लेस फास्ट दोनों में है। ही इज द राइट मैन राइट and in the right place right italics find out its part of speech god defied the right god defend the right god defend the right right in italics don't boast too much much kya hai, Aap hai? which part of speech it is hard to understand hard it is hard to understand, hard. Men who work hard enjoy life fully, hard again. Men who work hard enjoy life fully, hard. I have long, I have long uh, thought, I have long thought so, I have long thought so, long. And then next one is, still water runs deep. Still waters run deep. Still waters run deep. Still ये जो वाक्य हैं इसमें से आप आइडेंटिफाई करें पार्ट ऑफ स्पीच तो हैं इटैलिक्स में लिखे हुए कौन से सभी पार्ट ऑफ स्पीच हैं एवरी वर्ड इज ए पार्ट ऑफ स्पीच रिमेंबर यस और नो एवरी वर्ड इन दिस सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच एटलीस्ट But what is the exercise given to you is the italic words. You need to identify its part of speech. Kis part of speech ka his italic word, and then that should help you in honing your understanding of the parts of speech. Okay? While talking about nouns and adjective. I had used the word syllable. Before we proceed further, या yeah, हम अब syllable syllable जानें कि क्या है syllable s y d -L, l a b l e syllable ये syllabus नहीं है, मैं syllable की बात कर रहा हूँ syllable का हिंदी में अनुवाद है शब्दांश शब्द अंश दो शब्दों से बना है शब्द और अंश यानी किसी शब्द के अंश को हम सिलेबल कहते हैं किसी शब्द के अंश को हम सिलेबल कहते हैं सिलेबल को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे बार बार कि एक सिलेबल वर्ड का क्या मायने हैं एडजेक्टिव में दो सिलेबल वर्ड के क्या मायने हैं एडजेक्टिव में तीन सिलेबल वर्ड के क्या मायने हैं पार्ट ऑफ स्पीच में सो so यह जानना जरूरी है व्हाट इज ए सिलेबल ए सिलेबल इज ए शब्दांश जैसे मैंने कहा यदि मैं शब्दांश की बात करूं तो आप समझ जाइए कि एन अन इंटरप्टेड सेगमेंट ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ ए वॉवेल साउंड ए वॉवेल साउंड जिसमें वॉवेल साउंड एक ही बार आए वो एक सिलेबल वर्ड कहलाएगा ध्यान रखिए वॉवेल साउंड जिसमें एक ही बार आए उदाहरण के लिए मैट कैट कै मै एक ही बार वॉवल साउंड आ रहा है उसे हम वन सिलेबल वर्ब कहते हैं वन सिलेबल वर्ड कहते हैं राइट right? ये एक सिलेबल वर्ड है स्टाई एक्ट शुड वन सिलेबल वर्ड दे आर वन सिलेबल वर्ड शब्दांश जिसमें एक ही बार आता चार सिलेबल क्या होता है फोर सिलेबल वर्ड वैसे तो अंग्रेजी में छह टाइप के सिलेबल हैं सिलेबल आर ऑफ सिक्स टाइप्स बट वी डोंट हैव टू गो इन टू मत डिटेल्स हमको केवल इतना ख्याल रखना है कि सिलेबल की बात करें तो सिलेबल का संबंध वॉवेल से है सिलेबल शब्दांश है पहली बात और उसका संबंध वॉवेल से है जब वॉवल का उच्चारण एक बार है तो एक सिलेबल दो बार है किसी एक शब्द में तो दो सिलेबल तीन बार है किसी एक शब्द में तो तीन सिलेबल चार बार है किसी एक शब्द में तो चार सिलेबल चार बार क्या चार बार वॉवेल का उच्चारण उसमें आ रहा हो तो उदाहरण के लिए चार बार वॉवेल का उच्चारण किसमें होता है आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या कि कोई शब्द में चार बार हो बहुत होता है ए बी ली टी ए बी आई एल आई टी वाई चार बार हो रहा है ए बी ली टी ए बी ली टी चार बार ए बी ली टी चार बार बोला गया डेफिनिशन चार बार बोला गया डेमोक्रेसी चार बार इसमें वॉवल आ रहा है एक्ोमो चार बार आ रहा है एक्ो चार बार आ रहा है डेलीगेशन फोर टाइम्स डायग्नोसिस फोर टाइम्स तो दीज आर फोर सिलेबल वर्ड्स अब आप समझ गए सिलेबल क्या होता है सिलेबल शब्दांश जिसमें एक वॉवेल हो तो एक सिलेबल और उस वॉवेल का उच्चारण एक बार हो एक वॉवेल हो ही नहीं एक वॉवेल से उच्चारण एक ही बार आए उस शब्द का उच्चारण एक ही बार हो वॉवेल का उसमें वॉवेल साउंड जो है वॉवेल साउंड वो एक ही बार आए जैसे मैंने बताया ए बी ली टी डेफिनिशन डेमोक्रेसी जब सिलेबल की बात होती है तो शब्दांश तो है ही इसके अलावा हम कह सकते हैं छोटी इकाई छोटी इकाई से मेरा तात्पर्य है एक वॉवल पर आके एक वॉवल के उच्चारण पर आकर शब्द खत्म हो जाता जैसे डेफीनिशन में डे खत्म फी नी शन शन देखिए एक साथ बोला गया श आज उसमें आया तो इस प्रकार ये चार वॉवेल हुए चार वॉवल उच्चारण आए चार वॉवल उच्चारण आए इसलिए चार सिलेबल हुआ तो इसकी कितनी इकाइयाँ हुई चार इकाइयाँ हुई चार इकाइयाँ हुई।, हुई शब्दों की छोटी इकाई तो वो चार सिलेबल कहलाया ऐसे तीन सिलेबल वर्ड हैं ऐसे दो सिलेबल वर्ड हैं यदि मैं सिलेबल की परिभाषा की बात करूँ तो इस सिलेबल इज ए सिंगल Unknown, a syllable is a single, unbroken sound of a spoken word. वर्ड फिर से देख लीजिए यह बोर्ड में लिखा हुआ है ए सिलेबल इज a सिंगल ए सिलेबल यदि एक सिलेबल की बात कर रहे हैं तो ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड रिटर्न भी हो सकता है बट उच्चारण से स्पष्ट होता है कि वो एक का है कि दो का तो आई डिफाइन अगेन ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड सिलेबल्स जो हैं दे यूजुअली कंटेन ए वॉवल एंड ए कंपनी कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के साथ जुड़े रहते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स यू हियर ए वॉवल इन ए वर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू हियर ए वॉव ये सेंटेंस को देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स यू हीयर ए वॉवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेबल्स ए वर्ड हैज़ जितनी बार आप वॉवल की आवाज सुनेंगे एक शब्द में उस शब्द में उतने सिलेबल हैं जितनी बार एक वॉवल की आवाज सुनेंगे वॉवेल क्या है ए ई आई ओ और यू ये पांच वॉवल होते हैं अंग्रेजी में और बाकी सारे अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं सो so यदि इन पांच आवाज़ों में से कोई सी भी आवाज़ आप पांच बार सुनते हैं किसी वाक्य में या किसी शब्द में तो वो पांच सिलेबल का शब्द है यदि इन पांच वॉवल्स में से कोई सी भी आवाज़ वॉवल की आवाज़ आप एक बार सुनते हैं तो वन सिलेबल दो बार सुनते हैं तो दो सिलेबल तीन बार सुनते हैं तो तीन सिलेबल एटसेट्रा सो वी कैन डिफाइन इट अगेन सिलेबल ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड टू सिलेबल इज ए डबल अनब्रोकन साउंड थ्री सिलेबल इज ए ट्रिपल अनब्रोकन साउंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा फाइव सिलेबल वर्ड इज ए फाइव टाइम्स अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड पांच बार वो अलग अलग साउंड आता है पांच तो लेवल में पांच बार ब्रेक होता है लेकिन हर बार अनब्रोकन एक एक रहता एम आई क्लियर